तीर्थनगरी में गन प्वाइंट पर लेकर दो महिलाओं से की गई चैन स्नेचिंग की घटना का खुलासा करने पर लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल द्वारा कोतवाल ऋषिकेश रितेश शाह व उनकी टीम को सम्मानित किया गया। आज दोपहर क्लब के तमाम सदस्य देहरादून रोड स्थित कोतवाली पहुंचे और बंदूक की नोक पर विगत दिनों शहर में दो महिलाओं से चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले दिल्ली के कुख्यात कोबरा गैंग के बदमाशों को पकड़कर घटना का पर्दाफाश करने पर शहर के बहादुर पुलिस के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। इस मौके पर कोतवाल शाह ने कहा कि इस तरह के सम्मान से पुलिस का मनोबल बढ़ता है और उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपराध पर अंकुश के लिए लोगों से पुलिस को सहयोग करने की भी अपील की। पुलिस के अभिनंदन समारोह के दौरान क्लब अध्यक्ष लवीश अग्रवाल ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को बनाने के साथ साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात एक किए रहता है। उनके गुड वर्क पर उनका मनोबल बढ़ाना हम सबका दायित्व है। इस अवसर पर पुनीत गर्ग, धीरज मखीजा, पंकज चंदानी, मानव जौहर, सुशील छावड़ा, आशीष अग्रवाल, मनोज बत्रा आदि उपस्थित रहे। लॉयंस पंकज चंदानी, जोन चेयरपर्सन, लॉयंस क्लब ऋषिकेश। आज लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल द्वारा कोतवाली ऋषिकेश में कोतवाल रितेश शाह जी और उनकी टीम को सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्द एक ऐसे केस को सुलझाया है जिसको सुलझाने में कई जगहों की पुलिस को बहुत टाइम लग जाता है। ऋषिकेश में क्राइम जैसे जैसे शुरू हो रहा है उसी तरीके से पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि उसको जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए ताकि ये प्रयास और न किया जा सके। चेन स्नैचिंग बहुत कॉमन एक क्राइम हो गया है बहुत शहरों में। वो ऋषिकेश में, इससे पहले कि वो ऋषिकेश में पैर पसारता, हमारी ऋषिकेश कोतवाल व उनकी टीम ने उन चोरों को बहुत जल्दी पकड़ लिया और इसीलिए लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल उनको और उनकी पूरी टीम को सम्मानित करने आज यहाँ कोतवाली आया है।